शुरुआत करते हैं। 16 जून से हर रोज पूरे देश में पेट्रोल डीजल के दाम बदलेंगे। जी हां, अब तक 15 दिन बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा होती थी, लेकिन 16 जून के बाद अब हर रोज ये दाम बदलेंगे। ये जानकारी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। देश भर में 1 मई से पुडुचेरी, विशाखापट्टनम, उदयपुर, जमशेदपुर और चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल के लिए शुरू की गई दैनिक समीक्षा के पायलट प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलने के बाद ये फैसला किया गया है। हर दिन रिव्यू होगा रेट का, हर दिन कीमतें बदलेंगी, ये फैसला लिया गया है क्योंकि अभी तक का जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर ये डिसीजन लिया गया है। तो 16 जून से रोजाना पेट्रोल और डीजल के दाम तय किए जाएंगे, दाम बदलेंगे। तो कई और जानकारियां भी इससे जुड़ी हुई आपको देते हैं। दरअसल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्प और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्प लिमिटेड की ये मांग थी कि रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें तय की जाए। आपको बता दें कि इन तीनों तेल कंपनियों के देश में कुल पेट्रोल पंप में 95% की हिस्सेदारी है। देश में कुल 58,000 पेट्रोल पंप्स हैं। मौजूदा समय में देश की तीन ऑयल कंपनियां, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान कॉरपोरेशन, हर 15 दिन में तेल की कीमतों की समीक्षा करती है। अनुराग चड्ढा हमारे साथ हैं। अनुराग, कितनी राहत कितनी आफत? देखिए श्वेता, सरकार के इस फैसले को लेकर थोड़ा सा असमंजस लोगों में जरूर है। जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कई बार ये बातें सुनने में आती है कि जो कच्चे तेल की कीमतें जब मार्केट में घटती हैं तो उतना फायदा जनता को नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए, और तो जब सस्ता होगा तेल तो राहत जनता को निश्चित तौर पर मिलेगी, लेकिन जब महंगाई होगी तो कहीं ये आंकड़ा जो वर्तमान में कीमत डीजल पेट्रोल की है वो आंकड़ा बढ़ ना जाए, तो जनता के लिए राहत ना हो जाए। तो कुल मिलाकर 50-50 जो लोगों का मूड है। लेकिन अगर हम पेट्रोल पंप के जो मालिक है उनकी बात करें तो उनका यह कहना है कि डेली बेसिस पर जो उनका जो उनके यहाँ कोटा होता है पेट्रोल डीजल का, कि अगर उन्होंने मान लीजिए पुराने रेट पर खरीदा है और आज रेट घट जाता है तो उनको नुकसान होगा, तो इसके लिए सरकार की जो पॉलिसी है वो किस तरीके की होगी, कैसे क्या जो ऑनलाइन सिस्टम है वो कैसे वर्क करेगा, तो जनता और पेट्रोल पंप मालिक दोनों में ही असमंजस की स्थिति बता रहा है। लेकिन सरकार का कहीं ना कहीं ये मानना है कि इससे आम जनता का फायदा होगा। हाँ। जब डेली बेसिस पर जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं वो घटेंगी बढ़ेंगी तो दोनों तरफ फायदा इसका जनता को होगा, तो इसलिए ही अब ये 16 जून से देश भर में ये सिस्टम लागू होने जा रहा है। चलिए अनुराग, देखना होगा कितना फायदा होता है, ये तो 16 जून के बाद ही पता लगेगा। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार का मानना है कि इससे एक आम आदमी को भी राहत पहुंचेगी क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज की लंबे वक्त से मांग थी, जिसे मानते हुए 16 जून से अब यही प्रक्रिया शुरू होगी।